मैं थोड़ी चिल्लाता हूँ, दुनिया ने देखा, मजीदी तो नहीं चिल्लाया। हमारे घर पे आज फिर हमला किया है, ये तोड़ फोड़ करिए हमारे ऑफिस में, हम यहाँ पर बैठे हुए थे, ये परम पुरवे का मेराज अहमद कुरैशी चिज्जू, ये चिज्जू जो गुंडा है जिसके ऊपर कई मुकदमे लगे हुए हैं, ये चिज्जू का लड़का मेरे घर में घुस करके आया था, मुझसे कह रहा है कि तुम जो है अहमद रजा के खिलाफ बोलते हो, तुम काफिर हो, तुमको जान से मार डालेंगे। ये महारारा का, ये बरेली की महारारा का ये लोग हैं, ये आज फिर इन लोगों से ने हमारे घर पे हमला किया है, जान से मार डालने की फिर कोशिश की है, कह रहा है तुम वो बम से उड़ा देंगे। मैं थोड़ी चिल्लाता हूँ, मजीदी तो नहीं चिल्लाया, ये अभी घर के अंदर ही मौजूद है, अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं आई है, ये लोग क्या चाहते हैं, हमारे परिवार के साथ क्या करना चाहते हैं, हमारा भाई। मैं थोड़ी चिल्लाता हूँ जो दस्तक न्यूज लाइव न्यूज चलाता है उसके दफ्तर को तोड़ा है कि तुम्हारे इस न्यूज चैनल से न्यूज बरेली के खिलाफ न्यूज लिखी जाती है, आला हजरत के खिलाफ न्यूज लिखी जाती है, तोड़ फोड़ करी है इस लड़के ने, देखिए आप लोग इसने तोड़ फोड़ करी है, किस तरीके से जो है उसको तोड़ा है, ये घर में घुस करके धमकी दे रहा है, ये बरेली के मुल्ला क्या जीने नहीं देंगे, क्या ये मुल्ला मौलवियों का फतवा बड़ा है या इस देश का कानून बड़ा है, हमें बताया जाए कि आखिर क्या बड़ा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये पाकिस्तान परस्त बरेलवी मुल्ला, ये पाकिस्तानियों के साथ साजिश करने वाले बरेलवी मुल्ला, ये इन लोगों ने इससे पहले भी हमारे घर पर हमला किया था, ये बराबर हमारे घर पर हमला कर रहे हैं, कोई तो हो इस आवाज को सुने जा करके, जो कोई कहे, कोई तो इंसाफ की बात करे आकर के, क्या हम लोग मार खाने के लिए हैं, क्या हम लोग सिर्फ जुल्म सहने के लिए हैं, ये इस तरीके से जो किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये बरेली के गुंडे, ये अहमद रजा के गुंडे, ये अख्तर रजा के गुंडे, ये मन्नान रजा के गुंडे, ये महारारा वाले नजीब के गुंडे, ये अमीन बरकाजी का गुंडा, ये मेरे घर में घुस करके इस गुंडे ने तोड़ फोड़ करी, देखिए कैसे तोड़ फोड़ करी है, इससे पहले भी इन लोगों ने तोड़ फोड़ करी है, नाकाबिले बर्दाश्त काम है, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं थोड़ी चिल्लाता हूँ, दुनिया ने देखा, मजीदी तो नहीं चिल्लाया।